अजमेर JLN अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट और इंटर्न्स डॉक्टर ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है, अन्यथा 19 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ही इंटर्न्स डॉक्टर काली पट्टी बांधकर यूरोलॉजी विभाग के बाहर एक साथ जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि COVID-19 महामारी के बीच छुट्टी नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही वेतन विसंगति और परीक्षा समय बद्ध रूप से हो। इसके साथ ही 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही इंटर्न्स डॉक्टर स्थायी फंड बनाने की मांग को लेकर पिछले 1 वर्ष से आंदोलन कर रहा है और सरकार ने समझौता करके भी अब तक पूरा नहीं किया है। ऐसे में सभी में नाराजगी है और इसी नाराजगी को प्रकट करते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया गया। आगामी 19 मई तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 1 महीने से अपनी मूलभूत मांगे जैसे स्टडी लीव, क्वारंटाइन लीव, स्टाइफंड अलाउंस, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, कोविड इंसेंटिव, सीनियर रेजिडेंसी, एग्जाम समय पर हो और इंटर्न के जो सरकार के जो आदेश हुए थे उनकी अक्सर से पालना की जाए, इन मूलभूत मांगों को लेकर 1 महीने से सरकार से निवेदन कर रहे थे। पिछले 6 दिनों से हम काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि समय रहते हमारी मांगों को सुने और इस पर निर्णय लें, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे बार बार कोशिश करने के बावजूद भी सरकार ने मिलना उचित नहीं समझा है। इसी के लिए तहत आज पूरे राजस्थान में 2 घंटे नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार किया गया है और अभी भी हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले को सुने, हमें पूर्ण हड़ताल पर जाने की मजबूर ना करें। रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए मरीज पहले भी प्राथमिकता थे, अभी भी हैं और हमेशा होंगे, लेकिन हम मजबूर हैं कि सरकार हमें सुनना नहीं चाहती। पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं, सरकार हमें बार बार आर्थिक, मानसिक, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना चाह रही है, तो सभी से निवेदन है कि सरकार को कहें, सुने और इन मांगों का हल निकले। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, प्रेसिडेंट RD अजमेर। सरकार के द्वारा जो इंटर्न स्टाइपेंड को बढ़ाने को लेकर 19 अक्टूबर 2020 को जो समझौता हुआ था उसके ऊपर सरकार ने वादा खिलाफी करी है और आज 7 महीने के बावजूद 7 महीने होने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो हम इंटर्न डॉक्टर्स पूरे राजस्थान के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मिलकर हमारी मांगों के लिए आंदोलनरत है और अब आज से हमने सांकेतिक कार्य बहिष्कार स्टार्ट किया है। तो जल्दी से जल्दी हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जो 14,000 प्लस डीए की जो मांग समझौता हुआ था उसको पूरी करे। डॉक्टर दीपक बुराला, इंटर्न डॉक्टर अजमेर।